फिर आया नया पैटर्न, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह चयन बोर्ड को दिया। पेपर लीक के बाद कांस्टेबल भर्ती अब सीईटी में शामिल दो पेपर देने पड़ेंगे। दोस्तों, पूरी न्यूज देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राजस्थान गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। समान पात्रता परीक्षा की वैधता भी 3 की जगह 1 साल। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद सरकार इसका पैटर्न बदलने जा रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को समान पात्रता परीक्षा सीईटी के दायरे में लाकर इसका जिम्मा पुलिस मुख्यालय की जगह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिया गया है। यानी अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले अभ्यर्थियों को सीईटी को पात्रता लेनी होगी, इसके बाद भर्ती परीक्षा होगी। सरकार ने सीईटी की नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ सहित कई भर्तियों को सीईटी से बाहर कर दिया गया है। यही कांस्टेबल भर्ती समेत 2 नई भर्तियों को शामिल किया गया है। समान पात्रता परीक्षा के परिणाम की वैधता 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। यानी ये परीक्षा हर साल आयोजित की जाएगी। सीईटी के आयोजन का जिम्मा कर्मचारी चयन थॉट का होगा। पटवारी, वीडियो सहित कई भर्तियां सीईटी से बाहर हो गई है। 23 जून के आदेश में शामिल सीनियर सेकेंडरी स्तर की भर्तियों में लैब इंचार्ज, पंचायती राज एलडीसी भर्ती को सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया गया। स्नातक स्तर की भर्तियों में टैक्स असिस्टेंट, जिला उद्योग अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, प्रबंधक उद्योग, टेटिंग कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, राजस्व विभाग की पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को सीईटी के दायरे से बाहर कर दिया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल की 7 भर्तियां सीईटी में होंगी अब, और उसमें से वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, सचिवालय सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय, अधीनस्थ कार्यालय लिपिकेगृह सेवा के कनिष्ठ सहायक, आरपीएससी लिपिकेगृह सेवा के लिपिक ग्रेड द्वितीय, आबकारी अधीनस्थ सेवा के जमादार ग्रेड द्वितीय और पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल के पद पर सीईटी के जरिए भर्ती होगी। कांस्टेबल भर्ती व प्लाटून कमांडर भर्ती को नए सिरे से शामिल किया है, और साथ ही साथ स्नातक स्तर की 8 भर्तियां सीईटी के दायरे में आएंगी, जिसमें से प्लाटून कमांडर, अधीनस्थ सिंचाई सेवा के जिलेदार, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता, अधीनस्थ सेवा के पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, एकीकृत बाल विकास सेवा के पर्यवेक्षक, कारागार अधीनस्थ सेवा के उपजिल और समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय के पद इसी से भरे जाएंगे। इस फैसले से अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। चयन बोर्ड को समान पात्रता परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी मिली है। इस संबंध में जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रयास रहेगा ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके, ऐसा हरि प्रसाद शर्मा का कहना है। पटवारी के 3000 पदों पर वैकेंसी वाला वीडियो हमने हमारे चैनल पर पहले ही डाल दिया है, तो जाके जरूर देखें और अभी से ही तैयारी में लग जाए। ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज। ऐसी ही और न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।